सेब के सभी बागवानी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं अर्जुन चौहान, डेवलपमेंट ऑफिसर यूएस के एग्रो साइंसेस सांगली। आज हम एप्पल के कलर के बारे में बात कर रहे हैं। एप्पल का जो रेट है या एप्पल की जो मार्केट वैल्यू है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड है। उसमें से पहला है एप्पल की शुगर, दूसरा है एप्पल की कॉम्पैक्टनेस और तीसरा है एप्पल का कलर। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं उसको अलग अलग फैक्टर डिपेंड है वो तीनों चीज़ें परफेक्ट होने के लिए। तो उसमें से फर्स्ट जो है शुगर, एप्पल की जो शुगर लेवल है वो शुगर लेवल है जितने भी एप्पल के प्लांट में पोटेश की मात्रा है उसके ऊपर डिपेंड रहती है। यदि आपका एप्पल का पौधा पोटेश से डिफिशियंट होगा तो उसमें शुगर की मात्रा कम हो जाती है। तो वो शुगर बढ़ने के लिए हमारे कंपनी ने इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वो है के लाइटर। के लाइटर में आप देखोगे तो उसमें पोटेशियम ग्लूकोनेट है, उसमें कैल्शियम है, कार्बोहाइड्रेट है और पोटेश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया के लिए जो मीडिया लगता है वो मीडिया है। वो मीडिया का क्या फ़ायदा है, जब भी वो आपका पोटाश पौधे के पत्तों पे गिरेगा तो तुरंत उसका मोबिलाइजेशन करने के लिए उसकी बैक्टीरियल खाद है वो तुरंत उसको हेल्प करेगी और उसका जल्दी एब्सॉर्प्शन हो जाएगा। जो सिंपल वाला पोटेश है, अपना सल्फेट ऑफ पोटेश हो या अपना 0.34 हो या कोई भी सिंपल वाला 0.050 हो, वो पोटेश में और ये पोटेश में क्या फ़र्क है, वो 0.34 है या SOP है, वो पोटेश का एब्सॉर्प्शन है वो 2.5 गुना कम होता है अपने वो लिक्विड पोटेश से, 2.5 गुना कम हो जाता है। वो जो पोटेशियम ग्लूकोनेट है पौधे के पड़ने के बाद तुरंत ही उसका एब्सॉर्प्शन हो जाता है। जितना भी उसका एब्सॉर्प्शन अच्छा होगा, जो सिंपल पोटेश है उससे 2.5-3 गुना ज़्यादा एब्सॉर्प्शन होता है। जब एब्सॉर्प्शन पोटेश का जल्दी हो जाता है तभी शुगर बनने के लिए प्रोसेस फास्ट हो जाती है और शुगर बन जाती है। अब एप्पल की जो कॉम्पैक्टनेस है, कोई भी पोटेश हो एप्पल की कॉम्पैक्टनेस बढ़ाता है। ये जो पोटेशियम ग्लूकोनेट है विदाउट नाइट्रोजन बॉन्डिंग तोड़े बिना एप्पल में जो पोटेश मोबिलाइजेशन है वो प्रोसेस करता है और ये प्रोसेस होने के बाद शुगर का ट्रांसलोकेशन है वो एप्पल के पौधे में बढ़ जाता है। उस वजह से वो जो पोटेशियम ग्लूकोनेट है उससे एप्पल की शुगर अच्छी बढ़ती है। एप्पल का जो पेरिशेबलनेस है या उसकी पोस्ट हार्वेस्ट के बाद उसका जो पीरियड है रहने का तो वो बढ़ जाता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। वो अच्छी कॉम्पैक्टनेस की वजह से एप्पल ज़्यादा दिन आप स्टोरेज में उसको रख सकते हैं। दूसरा एप्पल का इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्राइस के लिए कलर। तो एप्पल में जो कलर आता है उसके लिए तीन फैक्टर है। पहला जो फैक्टर है सनलाइट तो कलर के लिए ज़रूरी फैक्टर है। उसके बाद दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर और तीसरा फैक्टर है शुगर। एप्पल की शुगर यदि सफिशेंट क्वांटिटी में होती है तभी उसका जो कलर बनने का प्रोसेस है या एंथोसाइनिन पिगमेंट बनने का प्रोसेस तभी स्टिमुलेट हो जाता है और कलर बनना स्टार्ट हो जाता है। जो एंथोसाइनिन पिगमेंट है वो बनने के दो फेज है या दो पीक पीरियड है। उसमें से फर्स्ट एंथोसाइनिन पीक पीरियड है वो जो आता है जब एप्पल का साइज 1.5 इंच डायमीटर का होता है, तब उसका जो एंथोसाइनिन बनने का पीक पीरियड है तब आ जाता है। और वो जो पीक पीरियड है केवल सनलाइट के ऊपर डिपेंड रहता है। तब जो एंथोसाइनिन पिगमेंट बनता है वो केवल सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंसी पे बनता है। उसके बाद में दूसरा जो उसका एंथोसाइनिन बनने का पीक पीरियड है वो है जब एप्पल पूरा मैच्योर हो जाता है तब उसका एंथोसाइनिन बनने का पीक पीरियड है। जो एंथोसाइनिन पिगमेंट है एप्पल में जो रेड कलर आता है वो एंथोसाइनिन पिगमेंट से आता है। तो एंथोसाइनिन बनने के लिए पहले अमीनो एसिड बनना चाहिए। अमीनो एसिड बनने के लिए
फिनिल एलिनिन बनना जरूरी है, और फिनिल एलिनिन बनने के लिए पेंटोज फॉस्फेट पाथवे एज वेल एंड आपको ग्लाइकोलिसिस, ये जो दोनों लंबी प्रोसीजर है वो दोनों बनने जरूरी है। ये दोनों प्रोसेस होने के लिए काफ़ी टाइम जाता है, इसमें काफ़ी क्लाइमेटिक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो हमारी कंपनी जो है यूएस के एग्रोसाइंसेस, उन्होंने कलर के लिए एक इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो वो है इनोवेटिव फॉर्मुलेशन कलर प्लस। ये कलर प्लस में एंथोसाइनिन सिंथेसाइजर अमोनो एसिड्स 0.05% में दिए हैं। तो ये क्या करता है, आपका जो पूरा प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस हो गया, उसके बाद में पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है, उसके बाद में फिनिल एलिनिन बनेगा और फिर अमोनो एसिड बनेगा। तो ये जो पाथवे है पूरा हमने एक्सक्लूड करके सीधा उसमें हमने क्या किया, प्रोडक्ट में एंथोसाइनिन सिंथेसाइजर अमोनो एसिड दिए, जो प्रॉपर सनलाइट के बाद, प्रॉपर शुगर क्वांटिटी के बाद, जब एप्पल की ब्रिक्स 10 के ऊपर होती है, तब उसमें ये एंथोसाइनिन बनना पीक पीरियड, या उसका मान लो एंथोसाइनिन बनने का पीक पीरियड आ जाता है। तो उसके लिए ये जो प्रोडक्ट है कलर प्लस, आप उसका स्प्रे है, जब उसमें शुगर लेवल 10 के आसपास आ जाए, या मैच्योरिटी के टाइम, या हार्वेस्टिंग के पहले 20 दिन आप इसका स्प्रे करोगे, तो इसके आपको जो एप्पल में चमक है, एप्पल का जो बिल्कुल डार्क रेडिश कलर है, या अकॉर्डिंग टू वैरायटी उसमें जो भी कलर पैटर्न है वो आपका सुधर जाएगा, उससे अच्छा कलर आ जाएगा।